हेलो गाइस, स्वागत है वोकैब की सीरीज़ में। आज का पार्ट हम करते हैं फटाफट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांस का मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाए या देखा जाए। तो ट्रांसपेरेंट इजी सा वर्ड है, मतलब एक दूसरे की चीज़ों के पार देख सकते हो, यानी ऑलवेज अलाउ करता है अपने आप से देखने के लिए, यानी ग्लास जैसे पारदर्शक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रैथ। रैथ को दो शब्दों में पढ़ना है, रैपर और डेथ। रैथ मतलब रैपर शुरू में और एथ से याद रखना डेथ, यानी रैपर में बांधकर जो फूल चढ़ाने आए किसी की डेथ पर, किसी की ग्रेव पर, ऐसे याद रहेगा आपको। तो रैथ से पुष्पांजलि अर्पित करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट को चार वर्ड में तोड़ना है। अब दी, सी से कुर्सी याद रखना, एट से खा ले, मतलब कोई इतना परेशान कर दिया किसी ने, वो बोल रहा भाई अब तो दे तो दी कुर्सी, खा ले इसको, एट कर ले, मतलब जब अपनी पोजीशन कोई त्याग देता है, राजा की या रानी की त्यागना। तो अब दी केट, अब दी कुर्सी, खा ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अफेबल। अफेबल से याद रखना फैब, बीच में बड़ा बड़ा दिख रहा है फैब, फैब मतलब बढ़िया, एकदम मस्त बंदा है। और एबल से याद रखना हमेशा अवेलेबल रहता है, उससे कोई भी जाके बात कर सकता है। तो फैब बंदा है जिससे कोई भी जाकर कभी भी बात कर सकता है, यानी वो मिलनसार व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, फ्रेंडली और इजी टू टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्बाइडेक्स्ट्रस। एम्बाइडेक्स्ट्रस को ऐसे याद रखेंगे, बाई डेक्स्ट्रस, बाई मतलब होता है दो, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब दो, और डेक्स्ट्रस मतलब डस्टर, याद रखना जो दोनों हाथों से डस्टर इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो बोथ हैंड्स को यूज़ करने में कैपेबल है इक्वली, तो उसको हम एम्बाइडेक्स्ट्रस बोलते हैं। बाइडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से डस्टर इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन ईजी वर्ड है, आप सभी को पता है, ये बायो का वर्ड है। बाई एंड स्पैंस का मतलब होता है दो जगह पे रह सकते हैं, तो ऐसे जानवर जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वर्टिब्रेटेड होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग जो करते हैं वो वाटर में ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट को दो भागों में पढ़ना है आपको, अनार और चिस्ट, ठीक है। अनार को जब छीलते हैं, छी से याद रखना CHI, अनार को जब छीलते हैं तो दाने इधर उधर नहीं बिखर जाते, यानी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है मतलब गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसी जगहें जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है उसको एनार्की कहते हैं, और जो इन भावनाओं को मानता है उसको एनार्किस्ट कहते हैं। जो ऐसा मानता है कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए उसे एनार्किस्ट कहते हैं, ठीक है, और अवस्था को एनार्की कहते हैं। तो अनार्किस्ट याद हो जाएगा, अनार छीलने पर इधर उधर फैल जाते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट इज अपैथी। जब कोई व्यक्ति जा रहा है वो थक गया, मतलब उसमें जोश नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, तो वो जिस पाथ पे जा रहा है ना उसी पे बैठ जाएगा। तो अपाथी एक ऐसा इंसान, ए इंसान जो पाथ पे बैठ जाए, मतलब जोश नहीं है, उदासीनता भरी है, बैठ जाता है पाथ पे, तो अपाथी याद रहेगा आपको, ठीक है। आर्किपिलेगो एक ज्योग्राफिकल वर्ड है, मतलब ऐसी वाटर बॉडी जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, उनको आर्किपिलेगो कहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपिलेगो कौन सा है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपिलेगो कौन सा है। नेक्स्ट इज असाइलम। आप इसको याद रखना, ये असाइलम, साई मतलब किसी की साई दे दी भाई लमसम अमाउंट में, लमसम होता है एक शुरुआत में ही पैसा दे दिया भारी अमाउंट में, तो असाइलम साई दे देना, यानी शरण दे देना किसी को, भाई साई दे दी इसकी रक्षा कर, इसको बचा, यानी ऐसा इंसान जो अपने देश की छोड़कर दूसरे देश की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में रह रहा है उसको असाइलम कहते हैं, शरण स्थल कहते हैं। तो असाइलम से याद रखना साई दे रखी है इसकी दूसरे गवर्नमेंट को लमसम अमाउंट देकर, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हैं, रैथ रैपर डाल दिया डेथ में, पुष्प रैपर में बांध कर पुष्प चढ़ा दिया डेथ पे, रैथ अब दी केट मतलब कुर्सी से त्यागने वाला, अब दी केट कुर्सी खा ले इसको, एफेबल फैब से याद रखना मस्त आदमी है, एबल हमेशा अवेलेबल रहता है, बात कर सकते हैं, मिलनसार है, एम्बाइडेक्स्ट्रस बाइडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से डस्टर यूज़ कर सकता है, एम्फीबियन दोनों जगह रहने वाला, अनार्क छीलने पर अराजकता फैल जाए, ठीक है, अपाथी पाथ पे ही बैठ गया, आर्किप्लेज हो गया, असाइलम साई किस दी किसी दूसरी गवर्नमेंट को उसको रखने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।